हेलो फ्रेंड्स, टारगेट टुवर्ड्स सिलेक्शन में आपका स्वागत है। मेरे चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, आज मेरा टॉपिक जो है वो है कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये आपका डिफरेंशियल कैलकुलस का टॉपिक है जो कि बहुत डिमांड में रहता है कि कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। आज हम पहले से समझेंगे अच्छे से कि कर्वेचर क्या होता है, फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर समझेंगे। देखिए, सपोज करो आपने एक ये बैंड लिया, ये बनाया ए बी, एक और बैंड लिया आपने, इसको ऐसे बना दिया, ये बना दिया सी डी। आप देख रहे हैं कि जो ए बी है, ए बी अच्छे से बैंड हुआ है, यानी कि सबसे अच्छा कर्व डिनोट क्या कर रहा है, ए बी। यानी कि हम इसे कह सकते हैं कि जो ए बी है ये ग्रेट कर्वेचर रख रहा है एज कम्पेयर टू सी डी। यानी कि हमारी फिगर पे आप देख सकते हैं दो कर्व बने हैं, ए बी और सी डी। ए बी को हमने बहुत अच्छे से बैंड कर दिया, सी डी को इतना अच्छा बैंड नहीं कर दिया। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा ए बी है वो ज़्यादा कर्वेचर है, उसके अंदर ज़्यादा कर्वेचर है अदर देन दे। यानी कि इसी को हम डेफिनेशन से समझेंगे, हम कैसे डेफिनेट करते हैं। देखिए, सपोज करो ये हमने एक ग्राफ बनाया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का। हमने यहाँ पर एक, देखिए मैं इसकी केवल यही डायग्राम समझाऊंगी और उसी से समझाऊंगी आपका क्या है थ्योरी नहीं लिखा रही। हमने एक पॉइंट लिया गिवन कर्व में पी, यानी कि हमने एक पॉइंट लिया पी। अब एक अनादर पॉइंट लिया हमने क्यू, दोनों पॉइंट ले लिए पी और क्यू। अब क्योंकि इसका नेबरहुड पॉइंट है, हमने एक पॉइंट यहाँ पर ले लिया एन, ये एन पॉइंट ले लिया। एन क्या है, ये इंटरेक्शन है पी और क्यू का, ये कर्व ले रहे हैं हम छोटे छोटे से। ये देखिए, एक नॉर्मल डाला ये डाला और एक नॉर्मल डाला ये डाला, ये दोनों नॉर्मल का पॉइंट है एन, एन पॉइंट क्यू। यानी कि हम ये कह सकते हैं पी और क्यू हमारा दो गिवन कर्व हैं और जो एन पॉइंट है वो इंटरेक्शन है किसका, नॉर्मल एट पी और क्यू पर। यानी कि एन क्या है, नॉर्मल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पी एंड क्यू, पी और क्यू के इंटरसेक्शन का। ओके, अब मैंने एक सी पॉइंट लिया और एन को उसके आगे तक बढ़ाया, सी एन ले लिया। अब मैंने क्या करा, एन यानी कि एन को बढ़ा दिया सी तक। अब क्यू टेंस टू पी और मैंने क्यू को बढ़ा दिया पी तक, ठीक है, क्यू को बढ़ा दिया पी तक। अब मैं इस समय कहूँगी कि सी मेरा क्या कहता है, सी है मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, यानी कि सी को हमने बोला सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमारी ये क्या चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ ऑब्वियसली हमारी रेडियस होनी चाहिए। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि हमारी सी पी क्या होगी, सी पी इज द लेंथ, या हम कह सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आई होप आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों का फंडा क्लियर हो गया होगा। अगर हम सी और पी को पूरा माने तो ये हमारा क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और सी को माने तो हमारा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। और इसी तरीके से सी पी को हम क्या कह सकते हैं, सर्किल ऑफ कर्वेचर भी कह सकते हैं एट पॉइंट पी। और अगर हम पी से पॉइंट करें तो ये हो गया कॉर्ड ऑफ कर्वेचर, अगर एक इसे कॉर्ड माने तो ये हो गया कॉर्ड ऑफ कर्वेचर। अब देखिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर हम कैसे निकालते हैं वो भी देख लेते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर, आपको आई थिंक कर्वेचर तो समझ में आ गया होगा किसको कहते हैं कर्वेचर, क्या होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसको भी हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं क्या चीज़ होती है। देखिए, मैंने एक क्या लिया है, एक आर्क ले लिया ए पी, ए और पी, मैंने ए पी एक आर्क ले लिया। अब मैंने एक और क्यू पॉइंट लिया, क्यू पॉइंट इसको ले लिया मैंने। देखो, ये जो ए पी है इसको मैंने एस लिया, छोटा सा बना देते हैं इसको, तो लिया एस मैंने, क्या यानी कि आर्क ए पी को ले लिया एस। तो जो आगे मैंने क्यू बनाया उसको ले लिया मैंने छोटा सा एस प्लस डेल्टा एस, ये लिख नहीं रही हूँ मैं यहाँ, एस प्लस डेल्टा एस, ठीक है। अब मैंने एक टेंजेंट खींची है, यहाँ पर एक ऐसे बना देती हूँ, ठीक है। एक मैंने टेंजेंट खींची है किस पर, पी पर, और एक खींची है क्यू पर। मेरी एक टेंजेंट हो गई पी पे बना देती हूँ। देखिए, मैंने एक टेंजेंट बना दी पूरी पी पर, ये पी पॉइंट पर टेंजेंट है, और ये पूरी यहाँ पर, यहाँ लिख देते हैं पी पॉइंट टेंजेंट ऐसे बनेगी, ये पी पॉइंट पर, एक क्यू पॉइंट पर। अगर पी पॉइंट की ये टेंजेंट है तो हमने इसको एंगल क्या दे दिया, फाई, और इसको दे दिया डेल्टा साई, इस साई बोलते हैं, शाई और डेल्टा शाई, ठीक है। तो हमारा जो ये एंगल बनेगा,
ये बनेगा इन दोनों का, क्योंकि हम जानते हैं कि जो दो इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो दो इंटीरियर एंगल किसके बराबर हो गए? इसके सम के। ओके, ये आगे डायग्राम में इतना पूरा। ये क्या है हमारा जहाँ पॉइंट मिल रहा है, इसको हम आर बोल देंगे। इसको मिलाने के लिए छोटा सा यहाँ पर एक डॉट खींच देते हैं, एक क्योंकि हमने जैसे देखे खींचा था ना, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाने के लिए हमने यहाँ पॉइंट लिया एन, और ये मिल गया क्यू, और एक यहाँ पॉइंट सी लिया। ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी मेरा डायग्राम जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हम इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे ये देखते हैं। अब देखिए, अब हम इसको प्रूव करते हैं। हम क्या लिख रहे हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसको हमने नाम दिया पी, यानी कि रो, एट पी, पी पर रो, इस पी पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है पी पर, तो हमने इसका नाम दिया रो। रो को रो से ही आप पहचानेंगे, लिमिट डेल्टा एस टेंस टू ज़ीरो पी एन, यानी कि आप डेल्टा टेंस टू ज़ीरो, क्योंकि ये चीज़ आपको ज़ीरो, ये एस थी, ये आपकी एस प्लस डेल्टा एस थी, इस डेल्टा एस टेंस टू ज़ीरो, और ये निकालना है आपको पी एन तक की, इस पूरी लंबाई को निकालना है पॉइंट तक। अब देखिए, अब हम लेते हैं ट्रायंगल पी एन क्यू में, क्या ट्रायंगल पी एन क्यू, इस पूरे ट्रायंगल में ले लेंगे। तो हमारा क्या है ट्रायंगल में, पी एन अपॉन साइन एन क्यू पी। देखिए ट्रायंगल पी एन में एन पी का, एन पी किसके, एन पी अपॉन साइन की फॉर्म में क्या हो गया, एन क्यू, एन क्यू पी, ये साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा हो गया पूरा ये वाली चीज़, और ये अब यानी कि हम पी एन को क्या मान सकते हैं, कॉर्ड पी क्यू अपॉन साइन पी एन क्यू के बराबर। लेकिन देखिए पी एन क्यू देखिए कितना है, पी एन क्यू हमारा है 180 डिग्री माइनस पी के क्यू, यहाँ पॉइंट है ये के, तो आप देख सकते हैं ये 90 डिग्री है पूरा, ये और ये वाला 90 डिग्री है, इस चीज़ को माने तो ये भी 90 डिग्री है। तो हमने क्या मान लिया, साइन पी एन क्यू, क्योंकि हमारा एंगल पी एन क्यू किसके बराबर है, 180 डिग्री माइनस पी के क्यू के बराबर है, यानी कि हमारा पी एन क्यू किसके बराबर है, 180 डिग्री माइनस पी क्यू, पी के ये जो आया था नंबर, पी के क्यू के बराबर ये जो एंगल बना 180 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री, इस वाले के हमने 180 डिग्री माइनस मान लिया। अब हमारा क्या आता है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, पी एन अपॉन साइन एन क्यू पी बराबर कॉड पी क्यू बराबर साइन, देखिए पी एन क्यू क्या है, पी एन क्यू इस वाले के बराबर हो जाएगा, इस वाले के, तो हमने यहाँ लिख लिया है डेल्टा पाई, पी एन इज इक्वल टू सीधा फॉर्म लिखते हैं कॉड पी क्यू इंटू साइन एन क्यू पी अपॉन साइन डेल पाई। अब हम इसमें एक डेल शाई, डेल शाई से मल्टीप्लाई कर देंगे ये पी क्यू, यहाँ मैंने क्या लिखा डेल शाही से ही मल्टीप्लाई कर दी, सॉरी डेल एस से मल्टीप्लाई करो, डेल एस से पहले डेल एस से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, डेल एस और डेल एस से मल्टीप्लाई करी, इसी तरीके से डेल शाई अपॉन डेल शाई से मल्टीप्लाई करी, और ये चला गया नीचे साइन डेल शाई और साइन एन क्यू पी। अब इसको क्या लिख सकते हैं, यानी कि हम इसको क्या क्या लिखेंगे, अब हमारी लगेगी लिमिट, लिमिट डेल शाई एस टेंस टू ज़ीरो डेल फाई टेंस टू ज़ीरो कॉड पी क्यू अपॉन डेल एस इंटू डेल एस अपॉन डेल शाई, इसको क्या लिखना है अलग लेना है, डेल शाई अपॉन डेल साइन डेल साई को अलग लेना है, ये वैल्यूज आएगी आप देखिए, जब हम लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा वन, ये हो जाएगा वन, और ये भी आपका वन हो जाएगा, केवल बचेगा डेल एस अपॉन डेल शाई, ये आपका बचेगा रो के इक्वल। इसी तरीके से हमारा ये डेल एस अपॉन डेल साई हो गया था, ये मैं कैसे निकाला है वन, इसे भी बता देती हूँ कैसे निकाला है।
इसकी वैल्यू वन, इसकी वैल्यू वन, ये सब पॉइंट पुट कर दिया क्योंकि हमारा एन क्यू पी, हमारा एन क्यू पी पी क्यू हमारा पाई बाई टू के बराबर है। साइन पाई बाई टू कितना होता है, वन के बराबर होता है। अब हम जो कल की वीडियो में कराएंगे वो कराएंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर कार्टिजन कर्व में और रेडियस ऑफ कर्वेचर पैडल कर्व में, यानी कि पैडल फॉर्म और कार्टिजन फॉर्म दोनों में कराएंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। रेडियस ऑफ कर्वेचर आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, कल इसके हम क्वेश्चन और रेडियस कर्वेचर की कार्टिजन कर्व ये कराएंगे। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।